नमस्कार एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में बड़े तालाब स्थित जल क्रीड़ा केंद्र में 19वीं अखिल भारतीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2019 का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं। खेल मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाते हैं। हमारा पुलिस बल शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो, इस दृष्टि से खेल प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा से मिलकर प्रदेश को आवंटित यूरिया की निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश होने से रबी का रकबा बढ़ा है, इसलिए प्रदेश की मांग के अनुसार यूरिया का आवंटन भी बढ़ाया जाए। केंद्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने प्रदेश को यूरिया की समुचित आपूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया। जनसंपर्क एवं धर्मस्थ मंत्री श्री पीसी शर्मा राजधानी भोपाल के रचना नगर स्थित पिपलेश्वर हनुमान मंदिर की साई पालकी यात्रा में शामिल हुए और साईनाथ की पूजा अर्चना की। पालकी यात्रा में पुष्पवर्षा करते हुए नागरिकों ने साई पालकी यात्रा का स्वागत किया। लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले के सोनकच्छ विकासखंड के ग्राम गंधरपुरी में 2,45,00,000 की पेयजल टंकी और 22,50,000 रुपए के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि ग्राम गंधरपुरी में नई गौशाला बनाई जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रमुख सचिव गृह श्री एसएन मिश्रा और प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग ने शौर्य स्मारक में मनाए जाने वाले विजय दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।